Hello students, today I am going to explain packaging in eukaryotes, means packaging of hereditary material in eukaryotic cell. Eukaryotic nucleus is well organized, containing nuclear membrane, nucleolus and thread-like chromosomes. Kornberg in 1974 was reported that in the chromosome, DNA is associated with histone and non-histone protein. दो टाइप के प्रोटीन के साथ में DNA होता है. Chromosomes of eukaryotes are made up of nucleoprotein called chromatin. And chromatin is a combination of DNA and histone protein in 1:1 proportion. जो chromatin protein से chromosome बने होते हैं, it is a combination of DNA and histone protein और proportion 1:1. जितना DNA, उतना ही histone protein. Histones are protein rich in the basic amino acid residue lysine and arginine, which carry positive charge in their side chains. And the histone protein in chromatin are of five types, that is H1, H2A, H2B, H3 and H4. तो ये पांच टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 and H4, और उसके साथ में DNA होता है. And combination of DNA and histone protein is called as chromatin. Electron microscope, the chromatin fiber appears like a string of beads. The beaded string is made by repeating units called as nucleosomes, and a thread is made by DNA. जैसे मोती की माला में जो मोती होता है, it is a nucleosome, और उसमें अंदर जो थ्रेड होता है, that is DNA. The beaded string is made up of repeating units called nucleosomes. Each nucleosome is a 8 histone molecules, that is a pair of H2A, H2B, H3 and H4. जैसे पांच histone protein होते हैं ना, H1, H2A, H2B, H3 and H4, उसमें से चार H2A, H2B, H3 and H4 की pairs होती है. So total 8 molecules. तो ये 8 molecules का circle है, इसलिए इसको बोलते हैं octomere of histone. इसके ऊपर डीएनए दो बार कॉइल होता है, क्योंकि इसमें छेद नहीं होता है, 1 and 3/4 टर्न्स, उसको कोर डीएनए बोलते हैं. तो उसके बाद में यहाँ पे जो है, दिस ऑक्टोमियर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज सराउंडेड ट्वाइस बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कोर डीएनए. इट इज रैप्ड एज 1 and 3/4 टर्न एंड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 146 बेस पेयर्स. तो ये जो कोर डीएनए है, इसकी मेजरमेंट अगर देखो तो ये 146 बेस पेयर्स होता है. एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर बाय स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड दैट इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए. अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लिंकर डीएनए. अब ये लिंकर डीएनए और बीच में जो है कोर डीएनए. कोर डीएनए की साइज जो है 146 बेस पेयर्स है, और लिंकर डीएनए 54 बेस पेयर्स का होता है. और ये दो बार टर्न होता है उसके ऊपर, एक कंप्लीट टर्न और दूसरा 3/4 टर्न. और उसको जोड़ने के लिए बीच में जो है H1 प्रोटीन होता है, क्योंकि इसके अंदर से नहीं जा रहा है, वो रैप हो रहा है. तो रैप होने के बाद में वो निकल सकता है, तो इसको बाइंड किया जाता है. दि स्ट्रिंग ऑफ डीएनए विच एंटर इन टू द न्यूक्लियोसोम एंड द स्ट्रिंग ऑफ डीएनए विच कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियोसोम, ये दोनों को बाइंड किया जाता है बाय मीन्स ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H1 प्रोटीन. तो अब यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के न्यूक्लियोसोम से, और ये ऑरेंज कलर का डीएनए है. डीएनए कॉइल ट्वाइस अराउंड द न्यूक्लियोसोम, और H1 प्रोटीन दिखाई दे रहा है पिंक कलर का. तो ये जो पोर्शन है H1 प्रोटीन, दो जो डीएनए न्यूक्लियोसोम के ऊपर डीएनए का पोर्शन है, दैट इज कोर डीएनए, और बीच वाला दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला लिंकर डीएनए. लिंकर डीएनए की साइज होती है 54 बेस पेयर्स, और कोर डीएनए की साइज 146 बेस पेयर्स. तो इस तरह से बीडेड स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है क्रोमैटिन फाइबर. एंड सच 6 न्यूक्लियोसोम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम फाइबर, कॉइल्ड एंड प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियोसोम फाइबर. इसकी साइज जो है, थिकनेस जो है, इट इज 100 आर्मस्ट्रॉन्ग. अब यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो ए और उसके ऊपर ओ जीरो होता है. तो ये कीबोर्ड में नहीं है, तो इसलिए इस तरह से लिखा है 100 आर्मस्ट्रॉन्ग और 10 नैनोमीटर थिक न्यूक्लियोसोम फाइबर. एंड देन इट इज सुपर कॉइल, फिर से वो कॉइल होता है और सोलेनॉइड फाइबर बनता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर टेलीफोन इंटरमिंगल टेलीफोन कॉर्ड के जैसा हो जाता है. द क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म ए सोलेनॉइड स्ट्रक्चर. सोलेनॉइड फाइबर की साइज जो है 30 नैनोमीटर डायमीटर और 300 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड फर्दर सुपर कॉइल टू फॉर्म ए लूप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर.
which further coils and condensed at metaphase stage to form a short thickened condensed chromosome. तो इस तरह से packaging of chromatin at higher level needs an additional protein. उसमें एक और additional non-histone protein भी होता है, क्योंकि ऐसे जो fibers बनते हैं beaded string like, उसको पहले coil करके 100 armstrong का nucleosome fiber, उसका super coil करके solenoid fiber, और solenoid fiber का super coiling again करके उससे जो है वो क्रोमोसोम बनता है. तो क्रोमोसोम को सुपर सोलेनोइड फाइबर. अब यहाँ पे आप न्यूक्लियोसोम फाइबर देख रहे हो 10 नैनोमीटर और 100 आर्मस्ट्रांग थिक. सोलेनोइड फाइबर जो न्यूक्लियोसोम फाइबर के कॉइलिंग से बनता है 30 नैनोमीटर और 300 आर्मस्ट्रांग थिक. तो इस तरह से ये सब पैक करके क्रोमोसोम बनाया जाता है. द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल नीड्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट आर कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन. क्रोमैटिड्स को जोड़ के क्रोमोसोम बनाते हैं, तो उसको जोड़ते वक्त नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगता है. क्रोमोसोम इज ए कंडेंस्ड फाइबर विच इज़ फॉर्म बाय कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर. अब आप देखोगे तो डीएनए की डायमीटर 2 नैनोमीटर, न्यूक्लियोसोम फाइबर की डायमीटर 10 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर इज द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड फाइबर. क्रोमैटिन फाइबर मेजरिंग अबाउट 200 नैनोमीटर डायमीटर, उससे कॉइलिंग से बना हुआ क्रोमैटिड फाइबर 700 नैनोमीटर, और उससे 700 नैनोमीटर के दो क्रोमैटिड फाइबर जोड़ के क्रोमोसोम बनाया जाता है, जिसकी साइज होती है 1400 नैनोमीटर, और इसको जोड़ने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगता है. तो क्रोमोसोम इज़ ए शॉर्ट थिक एंड कंडेंस स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म बाय कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर. तो इसीलिए इसको बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल इन यूकैरियोटिक सेल. क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में इस तरह से पैक करके बनाए जाते हैं.